विधाताओं से, सभी ओर से घिर चुके हैं आप, तो अब आपकी पराजय निश्चित है। शंभुः पिनाकी शशि शेखर वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दिनील लोहितः शंकर शूल पाणिश्च खट्वांगी विष्णु वल्लभः शिव विष्णो अम्बिकानाथ श्रीकंठो भक्तवत्सलः। स्वामी के समक्ष तो कोई अधर्मी नहीं टिक सकता। हमारे पंच पुत्रों से युद्ध करने के लिए ये कैसा छल कर रहे हैं महादेव? कहीं वो हमारे पुत्रों को क्षति पहुंचाने में सफल तो नहीं हो जाएंगे? देख सकें उसके पूर्व मेरे शूल आपके वक्ष को बेच देंगे। त्यवराज के वध का प्रतिशोध अब ये बांध लेंगे आपसे। अपना बचाव कैसे कर रहे हैं? प्रहार से कोई सुरक्षित नहीं रह सकता, आप भी नहीं। कि ऐसी दुर्दशा की आपने, तो उसका दंड तो आपको भुगतना ही होगा।
अनर्थ पर अनर्थ हो रहा है। एक एक करके हमारे सारे पुत्रों का वध कर रहे हैं महादेव, और हम इसी प्रकार इस अवस्था में मात्र शोक मनाने के लिए विवश हैं। मेरे भ्राताओं से युद्ध करने हेतु आप एक से पांच में परिवर्तित हो गए, किंतु मैं एक ही आपके लिए पर्याप्त हूँ। अब देखिए मेरी गर्जना का प्रकोप कैसे आपको आहत करता है। नष्ट हो गई, हमारे पुत्र बलधर और गर्जन भी मृत्यु को प्राप्त हुए। ये कैसी विपदा छाई है हम पर। अब हम क्या करेंगे, हमारे समुद्री पाताल को कैसे सुरक्षित करेंगे, कैसे रोके हम उन्हें श्रीहरि नारायण तक पहुंचने से। मुझे आशा है कि अब अपना सर्वस्व खोने के उपरांत तो पंच सुंदरियां ये समझ गई होंगी कि उनकी ये ईर्ष्या और उनका अनुचित मोह उन्हें मात्र विनाश के पथ पर ले जाने वाला था। नहीं गौरी पुत्र, उनकी ममता में अभी भी इतनी शक्ति नहीं थी जितना पर पुरुष नारायण के लिए उनका मोह और अपनी बहन देवी लक्ष्मी के प्रति उनकी ईर्ष्या। इसलिए अब तो वो जो योजना बना रही थी वो और भी बड़ा महासंकट उत्पन्न करने वाला था, और वो योजना थी श्री हरि नारायण और प्रभु महादेव के मध्य परस्पर युद्ध की, और उस युद्ध को अति आवश्यक बनाने के लिए उन्होंने बड़ी ही चतुराई से उनके पांच पुत्रों के वध का दोषी श्री हरि नारायण को ही बनाने का निश्चय कर लिया। पुत्र तो हम पुनः प्राप्त कर लेंगे प्रभु से, किंतु प्रभु श्री हरि को खोना हमें कदापि स्वीकार नहीं। ये तो तभी संभव है जब श्री हरि नारायण महादेव से युद्ध करें और उन्हें परास्त करके वापस लौटने के लिए विवश कर दे, और उन्हें परास्त करके वापस लौटने के लिए विवश कर दे। किंतु ये कैसे संभव? ऐसा ही हुआ है प्रभु, और ये आपके ही कारण हुआ है। मेरे कारण? हाँ प्रभु, आप ही के कारण, जिनका आपने अतिथि रूप में सत्कार करने को कहा था, उन्होंने ही आपके पुत्रों को बड़ी निर्ममता से संहार किया है प्रभु। जिनको आपने इतने मान और सम्मान से द्वार तक छोड़कर आने का आदेश दिया था, उन्होंने ही आपके पुत्रों को मृत्यु के द्वार पर धकेल दिया। जिनकी प्रशंसा में आपने उन्हें दिव्य महायोगी पुकारा था, उन्होंने ही
हमसे हमारा मातृत्व सुख छीन लिया। हम पांचों के मातृत्व का ही नहीं प्रभु, अभी तो संपूर्ण पाताल लोक के सैनिकों का वध कर अनेकों माताओं को संतानहीन कर दिया है प्रभु, आपके उस अतिथि ने असंख्य सुहागनों की मांग उजाड़ दी है, और अब उसका प्रतिशोध एकमात्र आप ही ले सकते हैं। हाँ प्रभु, एकमात्र आप ही हैं जो दोषी को दोष का दंड दे सकते हैं। एकमात्र आप ही हैं जो पाताल लोक पर छाए इस संकट से समुद्री पाताल की रक्षा कर सकते हैं। अन्यथा यहाँ के भावी विनाश का संपूर्ण दोष आपका ही होगा। असंख्य सुहागनों की मांग उजाड़ दी है, और अब उसका प्रतिशोध एकमात्र आप ही ले सकते हैं, जो दोषी को दोष का दंड दे सकते हैं। जिसने हमारे समुद्री पाताल को विनाश की ओर धकेल दिया, उसे अपनी मृत्यु का सामना करना होगा। युद्ध में मेरे समक्ष आकर मुझसे संघर्ष करना होगा। युद्ध में मेरे समक्ष आकर मुझसे संघर्ष करना होगा। जो कि श्री हरि नारायण के पुत्र, उन्हीं के अंश से जन्मे हैं, इसलिए मृत्यु पश्चात उन्हें स्वयं में समाहित कर मुक्ति प्रदान करना, ये भी मेरा ही दायित्व है। कदाचित प्रभु श्री हरि नारायण को मेरा स्मरण हो आया है, इसीलिए वो स्वयं आए हैं मेरे समक्ष। प्रभु, प्रभु श्री हरि नारायण मेरे आराध्य युद्ध करना चाहते हैं मुझसे। मैं आपसे युद्ध करने का इच्छुक तो नहीं नारायण, किंतु यदि यही आपकी लीला है तो मैं प्रस्तुत हूँ। ये कैसी लीला थी प्रभु की? जगत के पालनहार स्वयं जगत पिता के समक्ष उनसे युद्ध करने को तत्पर थे। आपने मेरे पुत्रों का वध किया, अब आपको मुझसे युद्ध करना होगा। मैं आपसे युद्ध करने का इच्छुक तो नहीं नारायण, किंतु यदि यही आपकी लीला है तो मैं प्रस्तुत हूँ।
प्रभु श्री हरि नारायण अवश्य विजयी होंगे इस युद्ध में। हमारे पुत्रों के वध का प्रतिशोध लेंगे वो। स्वामी पराजित करेंगे महादेव को, अर्थात इस युद्ध का तो एक ही परिणाम संभव है, प्रभु सदा के लिए हमारे हो जाएंगे। जब कोई स्वयं अपने विनाश के बवंडर में प्रवेश करने के लिए तत्पर हो, तब उनके सभी पाप आचरण, उनके सभी विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर चरम पर होते हैं और उनकी दृष्टि भी वही देख पाती है जो वो देखना चाहते हैं। और यही हुआ था उन पंच सुंदरियों के साथ। किसी भी कार्य के पूर्व सर्वप्रथम हमें अपने विकारों को नष्ट कर अपने विवेक को जागृत करना अनिवार्य है, तभी उचित विचार के साथ हम उस कार्य को करने में समर्थ होते हैं। आपने सर्वथा उचित कहा गौरी पुत्र। मुझे आप में एक अनूठे तेज, महानता और प्रभुत्व के दर्शन हुए थे, किंतु आपने परिचय दिया अपने क्रोध का, अपनी क्रूरता का। आपने न केवल मेरे पांचों पुत्रों का वध किया अपितु समुद्री पाताल लोक की कई संतानों का वध किया। मैं ना तो यहां युद्ध करने आया था और ना ही अपने क्रोध से किसी का वध करने। मैं तो यहां मात्र आपको आपके उचित स्थान लौटाने आया था। मेरा उचित स्थान? मेरा उचित स्थान तो वही है जहां मेरी सहभागिनियां, जहां मेरे पांचों पुत्र थे जिनका आपने वध किया। उनका अंत मैंने नहीं किया, ये तो उनके कर्मों की पुकार थी कि उन्हें कठोर दंड प्राप्त हुआ जिस दंड के वो भागी बने। उचित, यदि उनके कर्मों की पुकार उनके दंड का कारण बनी तो मेरे अंतरात्मा की पुकार मेरे प्रतिशोध का कारण बनी। नहीं श्री हरि नारायण, प्रतिशोध का भाव आपके अंतरात्मा की पुकार के कारण नहीं, उन विचारों के कारण है जिन्हें आपके हृदय में स्थित किया गया है। बस महादेव, जिन शब्दों को सुनकर मैंने आपका अतिथि रूप में मान सम्मान किया, अब मैं आपके इन सरल और भोले शब्दों का स्वयं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने दूंगा। अब शत्रु मानकर आप पर प्रहार करूंगा मैं। अब वही होगा, जो हम चाहते हैं। अब हमारे प्राणनाथ, हमारे प्रभु, हमारे पुत्रों के अंत का प्रतिशोध लेंगे। कदाचित मेरे शब्द इसलिए आप तक नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि आपके द्वारा दिए गए वरदान ने आपकी स्मृतियों को अभी भी बाधित कर रखा है, किंतु ऐसी कोई बाधा नहीं जो मेरे डमरू के नाद को आप तक पहुंचने से रोक सके। मैं आपकी पूर्व स्मृतियां अवश्य जागृत करूंगा नारायण। Thank you.
महादेव के डमरू से निकला ये नाद तो अत्यंत प्रबल है। कहीं ऐसा ना हो उसका श्रवण कर प्रभु की स्मृति लौट आए। तब तो हमें प्रभु को महादेव की इस युक्ति से रक्षित करना होगा। प्रभु, हे श्री हरि नारायण, वो आपको अपने डमरू के नाद से उलझाने का प्रयास कर रहे हैं। हे प्रभु, किंतु अपने हृदय में एक ही स्मृति का ध्यान कीजिए, अपने पुत्रों की स्मृति का, जिनका निर्मम वध किया है इन्होंने। हाँ प्रभु, इनकी माया से तनिक भी प्रभावित मत होइए प्रभु, इनकी माया से तनिक भी प्रभावित मत होइए प्रभु। असंख्य सुहागनों की मांग उजाड़ती है। एकमात्र आप ही हैं जो दोषी को दोष का दंड दे सकते हैं। क्या किया प्रभु श्री हरि नारायण ने? आपने शंखनाद से मेरे डमरू के स्वर को स्वयं तक पहुंचने से क्यों रोक दिया? प्रभु नारायण, ये क्या कर रहे हैं? अपने शंखनाद से क्या करना चाहते हैं वो? देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय आलोक्य प्रभवेश्वराय हराय हरिनेत्राय युगांतकर्णाय आनलाय दंश्रिणे कालाय महेश्वराय पुष्पदंताय अभिभागाय मुखाय सर्वहराय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नमः। पहुंचने वाले महादेव के डमरू और श्री हरि नारायण के शंख के स्वर तो महादेव और नारायण के ही प्रतीक हैं। यदि इनका संयोग हुआ तो समस्त ब्रह्मांड में इनका संयुक्त विस्तार ब्रह्मांड को पावन कर देगा। किंतु इनका परस्पर विरोध और टकराव एक ऐसा विनाशक विध्वंस उत्पन्न करेगा जिससे संपूर्ण संसार का सर्वनाश निश्चित है।
प्रभु महादेव के डमरू और स्वामी के शंकानाद एक साथ, अर्थात ये तो बड़े ही आनंद की बात है कि प्रभु महादेव स्वामी को ढूंढने में सफल हुए। किंतु ये दोनों स्वर एक दूसरे से पृथक क्यों हैं? जैसे इनके मध्य कोई स्पर्धा चल रही हो। यदि प्रभु महादेव और स्वामी एक दूसरे के साथ हैं, तो फिर इन दोनों स्वरों का आनंददायक संयुक्त प्रभाव होना चाहिए था, किंतु उसके विपरीत ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि ये दोनों स्वर एक दूसरे के विरोध में हो? इसके पूर्व की स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए, उचित तो यही होगा कि पंच सुंदरियां अपनी भूल को स्वीकार कर प्रातः श्री हरि नारायण को उनके वरदान के बंधन से मुक्त कर दे। प्रभु महादेव और प्रभु नारायण परस्पर युद्ध हेतु एक दूसरे के सम्मुख नहीं होने चाहिए। कहीं हमसे कोई भयंकर भूल तो नहीं हो गई? ये तो स्वयं महादेव ही महादेव के सम्मुख है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसा आभास हो रहा है जैसे प्रभु श्री हरि नारायण स्वयं के सम्मुख युद्ध करने के लिए तत्पर हो। विचित्र दृश्य है ये, किंतु ये कैसे संभव है? क्या अर्थ है इसका? शिवाय विष्णु रूपाय, शिव रूपाय विष्णवे, अर्थात शिव और विष्णु दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं, इसलिए ये युद्ध तो उनका एक दूसरे के साथ नहीं अपितु स्वयं के साथ ही होने जा रहा है। स्वार्थ सिद्धि में मनुष्य को इतना भी नेत्रहीन नहीं होना चाहिए कि उसे भावी संकट के बारे में कुछ ज्ञात ही ना हो।